अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की ऊंची छलांग, पहले रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 की हुई सफल लॉन्चिंग। यूपी में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की कमी, एसीएस प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के एक तिहाई पद खाली। सिपाही भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन, परीक्षा केंद्रों के बाहर लगी कतार, सीसीटीवी से हो रही निगरानी। दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगी, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी के 1.42 लाख शिक्षा मित्र 5 सितम्बर से करेंगे आंदोलन, शिक्षक दिवस पर इको गार्डन में देंगे धरना, निदेशालय का भी करेंगे घेराव। यूपी के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 15 जिलों में उफान पर नदियां, वाराणसी में 15 दिन से छत पर हो रही गंगा आरती। शिखर धवन ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से किया संन्यास का ऐलान, भावुक संदेश में बोले दिल में भारत के लिए खेलने का सुख। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज, 12वीं पास तुरंत करें अप्लाई। नैनीताल बैंक ने ऑफिसर के पदों पर निकाली भर्ती, एज लिमिट 40 साल। इसरो में 10वीं पास के लिए निकली भर्ती, 1,42,000 तक मिलेगी सैलरी।